आम भिंडी की चटपटी सब्जी खाएंगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है अपना खान पान। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और ये हर मंगलवार और शनिवार के शाम को आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम भिंडी लेते हैं जिसको अच्छे से धो लेंगे। ये दो आदमी के लिए सफिशियंट है और एक सूखे कपड़े में इसको डालकर फिर अच्छे से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे भिंडी को। जी में इसके साथ क्या क्या लगेगा एक बार देख लेते हैं सारे सामान को। भिंडी है, दो पीस में हम इसे काट लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से काटी है लंबे लंबे शेप में। एक शिमला मिर्च है जिसको कि फिंगर शेप में लंबे लंबे काट लेंगे। फॉर्म किया हुआ आम है, मतलब कच्चा आम को मैंने हल्का सा पका लिया है, काफ़ी कड़ा होना चाहिए ऐसा आम। एक आम है और ये है सरसों आम का खट्टा मीठा अचार, एक टेबलस्पून लेंगे इसको। भिंडी देखिए मैंने बहुत अच्छे से सुखा ली है। दो प्याज है पतले पतले शेप में कटे हुए, फिंगर शेप बोल लीजिए। दो इंच लंबी अदरक है पतले पतले मैंने काट लिया है रेशे की तरह। दो पीस लाल मिर्च है जिसको मैंने बारीक पतला पतला काट लिया है। और अब चलते हैं बनाने की तरफ। गरम किए हुए पैन या कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। 4 टेबलस्पून सरसों तेल है, ये सरसों तेल में ही सबसे अच्छी टेस्टी बनती है। और तेल गरम होते हुए हम इसे भिंडी पहले डालेंगे। सबसे पहले भिंडी डालेंगे और इसे थोड़ा चला लेंगे और आंच हल्की होनी चाहिए। देखिए भिंडी थोड़ी थोड़ी नरम पड़ने लगी। थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ देंगे, करीब 6-7 मिनट, जब तक ये हाफ कुक ना हो जाए, आधी पकी ना हो जाए। और इसे हम एक बार निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है। भिंडी बहुत हेल्दी सब्जियों में आती है लेकिन ये हमारे देश की नहीं है, ये नाइजीरिया देश से लाई गई हुई सब्जी है जिसमें विटामिन सी बहुत मिलता है। अब हम फिर से पैन में थोड़ा सा सरसों का दाना और थोड़ा सा जीरा डालेंगे छौंक लगाने के लिए और सब्जी बनाने का प्रोसेस चालू करेंगे। भिंडी में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है और ये किडनी डैमेज ख़त्म करने के लिए भी खाई जा सकती है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है ये। थोड़ा सा अदरक और लाल मिर्च हमने डाला और इसको हल्का सा चला लेंगे। और अब बारी आती है प्याज की। थोड़ा सा प्याज मैंने जितना काटा था हम लोगों ने वो पूरी प्याज डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें शिमला मिर्च डाला, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का चलाते रहेंगे, बहुत चलाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मिनट्स बाद ही हम इसमें आधी बनी हुई भिंडी डालेंगे और हल्के हाथ से चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। भिंडी बहुत सॉफ्ट सब्जी होती है, विटामिन सी से भरपूर और इसमें मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। अब हम नमक स्वादानुसार डालेंगे इसमें। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और हल्के हाथ से एक बार फिर से मिला देंगे। अच्छे से चारों तरफ से घुमाते हुए हम चलाते जाएंगे और ये लास्ट में हुआ कड़े हुए पके आम, जो तुरंत पके हुए रहते हैं कच्चे आम से, वो आम हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसमें पड़ा अचार आम का, हमने जो खट्टा मीठा अचार रखा था आप खट्टा अचार भी डाल सकते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को शुरू से अंत तक बहुत ज़्यादा नहीं चलानी है, हल्के हाथ से चलानी है नहीं तो भिंडी टूट जाएगी। इसमें हमने डाला 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और अब ये रेडी है प्लेटिंग के लिए। तो इसे हम अपनी सुंदर सी कढ़ाई में खाली कर रहे हैं। आप कोई भी सुंदर सा प्लेट में, कोई भी बोल में, आप जिसे अच्छा समझे खाली कर सकते हैं। तो तैयार हो गई ये सब्जी, ऊपर से हम इसे सजा देंगे अदरक और लाल मिर्च बारीक कटे हुए जो हैं उससे हम इसको सजा देंगे।
देखिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ पतले पतले बारीक कटे हुए अदरक और लाल मिर्च। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। इन्जॉय। थैंक यू।